दोस्तों, बारहसिंघा एक विलुप्त होता जानवर है जो कि हिरणों की श्रेणी में आता है। अब ये केवल भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। ये काफी हद तक उत्तरी और मध्य भारत में पाए जाते हैं। बारहसिंघा एक हिरण की प्रजाति का जानवर है। कुल मिलाकर इसके सिर में 12 सिंह होते हैं। वास्तव में इस प्रजाति के नाम में हिंदी मूल है और इसका मतलब होता है 12 सिंगों वाला हिरण। इसे आमतौर पर इंग्लिश में स्वैम्प डियर के रूप में जाना जाता है। बारहसिंघा दुनिया में सबसे दुर्लभ हिरण की प्रजातियों में से एक है। इन प्रजातियों की शेष छोटी आबादी भारत के संरक्षित नेशनल पार्कों में निवास करती है। बारहसिंघा एक मध्यम आकार का हिरण है जो कि लगभग 130 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और वजन में लगभग 180 से 190 किलोग्राम तक होता है। नर बारहसिंघा मादा से थोड़े बड़े होते हैं। नर के शरीर में घने भूरे रंग के कोट होते हैं जिससे उसे गर्म और सूखे आवास में खुद को बनाए रखने में मदद मिलती है। एक नर हिरण में विशाल सींग होते हैं जो कि 75 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। इनके सींग भी क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। उत्तरी भारत में इनमें ऐसे सींग होते हैं जो कि चमकदार और हल्के दिखते हैं। अगर बारहसिंघा के जीवन काल के बारे में बात करें तो इनका औसतन जीवन काल लगभग 20 से 30 सालों का होता है। बारहसिंघा आमतौर पर समूहों में रहते हैं जिनमें करीब 10 से 20 सदस्य होते हैं। प्रजनन के दौरान एक झुंड में सदस्यों की संख्या 60 के ऊपर हो जाती है। मादा हिरण के एक झुंड पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नर एक दूसरे के बीच लड़ाई करते हैं। बारहसिंघा दिन के किसी भी समय सक्रिय हो सकते हैं, हालांकि वे सुबह और शाम के वक्त चरते रहते हैं और दोपहर के दौरान आराम करना पसंद करते हैं। इनके आहार के बारे में बात करें तो ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और इसीलिए ये आमतौर पर पत्तियों और घास से बनी चीजों को खाते हैं। दोस्तों, वनों की कटाई के कारण बारहसिंघा को निवास विनाश का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में ये जानवर शिकारियों को उनके सिंघों के लिए आकर्षित करते हैं। दूसरी तरफ घरेलू मवेशियों द्वारा भी इनकी जान ली जाती है। आज के समय में बारहसिंघा की आबादी बहुत कम बची है, लगभग लुप्त होने की कगार पर है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।